आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर्स का। नॉर्मली अगर आपने एक वैल्यू को स्टोर करना हो, लाइक आपने एज की वैल्यू स्टोर करनी है या नेम की वैल्यू स्टोर करनी है या मैट्रिक के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो आपको एक वेरिएबल चाहिए होता है जिसमें आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। एक वेरिएबल में सिर्फ एक वैल्यू स्टोर हो सकती है, एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। लेकिन समटाइम्स हमें किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट डाटा स्टोर करने की ज़रूरत पेश आती है, ठीक है? यानी फॉर एग्जाम्पल हमने एक बुक का डाटा स्टोर करना है, बुक के बारे में। अब बुक का डाटा एक वेरिएबल के अंदर तो स्टोर नहीं हो सकता ना। बुक के अंदर उसका टाइटल होता है, बुक के पेजेस होते हैं, उसकी प्राइस होती है, उसका ऑथर होता है, एडिशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसकी, ठीक है? इसी तरह एक कार है, कार का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसका कंपनी मैन्युफैक्चरर यानी कि जिसने बनाई है, मॉडल कौन सा है उसका, कलर कौन सा है, प्राइस कौन सी है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं उसमें। और इसी तरह फॉर एग्जांपल एक मोबाइल फ़ोन है या लैपटॉप है, उसकी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ये प्रोसेसर कौन सा है, रैम कौन सी है, हार्ड डिस्क कितनी है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये एक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये नॉर्मल वेरिएबल्स या नॉर्मल वैल्यूज़ नहीं होती। और ऑब्जेक्ट्स के अंदर होता क्या है कि उसमें डिफरेंट डेटा टाइप्स की चीज़ें होती हैं। जैसे बुक क्या है, बुक का जो टाइटल है ये स्ट्रिंग टाइप का है, बुक के जो पेजेस हैं ये इंटीजर टाइप के हैं, बुक की जो प्राइस है ये फ्लोट टाइप की है। समझ आ रही बात? और समटाइम्स एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट भी होता है, लाइक हम कहते हैं जी कि बुक के अंदर एक फील्ड है एडिशन, नहीं पब्लिश डेट। अब पब्लिश डेट के लिए वैसे तो हमारे पास सी शार्प में तो ऑलरेडी एक डेटा टाइप है, लेकिन सी प्लस प्लस में नहीं थी। डेट टाइम की एक डेटा टाइप होती है, सी शार्प में है लेकिन सी प्लस प्लस में नहीं थी। तो अगर हम सी प्लस प्लस में काम करते तो वहां पे जो डेट टाइप स्ट्रक्चर है उसके लिए हमें अलग से एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता, ठीक है? यानी एक ऑब्जेक्ट के अंदर फर्दर ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम अपने इस ऑब्जेक्ट का डाटा एक वेरिएबल के अंदर तो स्टोर नहीं कर सकते, फिर हम उसके लिए एक और मेथड यूज करते हैं और वो है स्ट्रक्चर्स, ठीक है? वैसे तो ये काम एक और तरीके से भी हो सकता है, आप क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, क्लासेस भी बन सकती हैं, स्ट्रक्चर्स भी बन सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर्स थोड़े से होते हैं लाइट वेट, इनका मेमोरी यूसेज भी कम होता है, जबकि क्लास एक हैवी वेट चीज है। तो वैसे नॉर्मली स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल होता है लेकिन कम होता है, हम ज़्यादातर क्लासेस ही यूज़ करते हैं। हम हमारा जो चैप्टर 3 है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे है, वहाँ पे हमने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स ही बनाने हैं, ठीक है? लेकिन फिलहाल हम स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है भाई स्ट्रक्चर्स का पर्पज़ क्या है, तो हम सिंपल उसका आंसर ये देंगे कि इसमें हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में उसकी प्रॉपर्टीज का कंप्लीट डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? बुक की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बुक का टाइटल, पेजेस, प्राइस, पब्लिश डेट, एडिशन वगैरह वगैरह, ऑथर। तो हम किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज का डाटा उसमें सेव कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा इसमें कुछ ऐसी नई चीजें हैं जो सी प्लस प्लस वाले स्ट्रक्चर्स में नहीं थी। होपफुली आप लोगों ने सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे आप लोगों ने, या सी में। तो सी या सी प्लस प्लस में एक स्ट्रक्चर में सिर्फ फील्ड्स होते हैं, मेथड्स नहीं होते, लेकिन सी शार्प का जो स्ट्रक्चर है उसमें मेथड्स भी होते हैं। तो ये डिफरेंस है सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में और सी शार्प के स्ट्रक्चर में, ठीक है? तो ये एक एग्जाम्पल है आपके सामने, स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, उसको बनाने का तरीका क्या है, ये देखें। ये हमने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया, उसका नाम क्या रखा है, बुक। और ये यहाँ से इसकी डिक्लेरेशन स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक जा रही है, ठीक है? तो इसमें क्या क्या है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो फील्ड्स हैं। ये पहला फील्ड है, इसका नाम क्या है, टाइटल, और पेजेस, और प्राइस। टाइटल का जो है वो डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, और पेजेस की क्या है, और प्राइस की। तो और इनका जो एक्सेस मॉडिफायर है वो कौन सा है, पब्लिक। मतलब ये तीनों मेंबर्स बेसिकली इनको कहते हैं मेंबर्स, ऑब्जेक्ट के ये प्रॉपर्टीज हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं, और जब स्ट्रक्चर के अंदर लिखे जाते हैं तो इनको हम स्ट्रक्चर के मेंबर्स कहते हैं, ठीक है?
तो ये तीनों मेंबर्स पब्लिक हैं, ये आउटसाइड द स्ट्रक्चर भी एक्सेसिबल हैं, ओके, इनफैक्ट आउटसाइड द प्रोजेक्ट्स भी एक्सेसिबल हैं, पब्लिक ऐसे ही होते हैं। ओके, ये अब एक नई चीज आप इसके अंदर देख रहे हैं, जो आपको सी प्लस प्लस में ये नई नहीं मिली होगी, ये वाली चीज, इसे हम कहते हैं मेथड है या कंस्ट्रक्टर है। अब मेथड क्या होता है और कंस्ट्रक्टर क्या होता है, मेथड्स का तो आपको आइडिया होना चाहिए, फंक्शंस भी कहते हैं, ठीक है, आपके सी शार्प के स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शंस भी हो सकते हैं, यानी कि मेथड्स प्रोसीजर्स भी कहते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये एक स्पेशल फंक्शन होता है या मेथड होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। फंक्शन जब आप बनाते हैं ना, उसको कॉल करना पड़ता है तब वो रन होता है, ठीक है, लेकिन ये जो एक ऐसा स्पेशल फंक्शन है कंस्ट्रक्टर, जिसको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। इनफैक्ट आप इसको खुद से कॉल कर भी नहीं सकते, ये खुद ब खुद कॉल होता है। और कब कॉल होता है, जब इस स्ट्रक्चर का कोई ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, कोई न्यू ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसमें हो क्या रहा है, आप देखें इसके तीन पैरामीटर्स हैं। पहले पैरामीटर का नाम क्या है, टाइटल, फिर पेजेस, फिर प्राइस। तो जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर हमारा एग्जीक्यूट होगा, तो वो क्या करेगा, ये जो मेंबर्स है ना, जो स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं, इनको ये पैरामीटर्स असाइन कर देगा। मतलब जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, तो इसके मेंबर्स को वैल्यूज असाइन कर दी जाएगी जो इसको पास की जाएंगी। एक और मेथड है, उसका नाम है डिस्प्ले बुक डिटेल्स, इसका नाम है, और इसने सिंपली करना क्या है, मेंबर्स की वैल्यूज को प्रिंट कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट, ये तो हमारी होगी फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन नहीं, स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन, मतलब ये यहां से स्टार्ट हुई है और यहां पर जाके कंप्लीट हुई है। अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। अच्छा, ये हमने बनाया है न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को वैसे आप ये भी कह सकते हैं कि एक हम एक नई डेटा टाइप डिफाइन कर देते हैं, जैसे आप इंट है, फ्लोट है, डबल है, ये सारी डेटा टाइप्स है ना, इसी तरह हम स्ट्रक्चर के जरिए क्या करते हैं, एक अपनी नई डेटा टाइप डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये बुक बेसिकली एक नई डेटा टाइप बन गई है, और हम इस डेटा टाइप के जितने वेरिएबल्स चाहें बना सकते हैं। जैसे अभी हम यहाँ ने कितने वेरिएबल्स बनाए हैं, बुक वन और बुक टू, ये बिल्कुल देखें, इसको डिक्लेयर करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप किसी डेटा टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, इंट ए, ऐसे ही बनाते हैं ना, कि पहले डेटा टाइप का नाम और फिर वेरिएबल का नाम, उसके बाद ये लिखा है इज इक्वल टू न्यू बुक। अब इसको जरा गौर से समझें, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम इनिशियलाइज कर रहे हैं अपना ऑब्जेक्ट, और इसको तीन पैरामीटर्स दे रहे हैं। पहला पैरामीटर है टाइटल की वैल्यू दी है हमने, ये फिर हमने पेजेस की वैल्यू दी है, फिर हमने प्राइस की वैल्यू दी है। तो अब हमारा ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये देखें, ये वाला जो जिसकी मैं बात कर रहा था, ये वाला कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हुए हम जो इसको पैरामीटर्स देते हैं, ये जाते हैं कंस्ट्रक्टर के पास। सी शार्प प्रोग्रामिंग की वैल्यू जाएगी इस टाइटल के वेरिएबल में, इसी तरह ये जो 400 की वैल्यू है ये जाएगी पेजेस में, इसी तरह ये 29.99 की वैल्यू कहाँ जाएगी, प्राइस में, और ये इसके मेंबर्स को ये सारी वैल्यूज साइन कर देगा। तो जब बुक वन का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो उसके पास ये तीनों वैल्यूज असाइन हो चुकी होंगी। इसी तरह बुक टू जब बनेगा, तो उसको हमने ये तीन वैल्यूज दी हैं। तो ये ऑब्जेक्ट बनाने के बाद फिर हमने उनको बुक वन की डिटेल्स प्रिंट की हैं, ये फंक्शन कॉल किया है हमने, डिस्प्ले बुक डिटेल्स, ये वाला फंक्शन कॉल किया है, ठीक है। तो ये सिंपली क्या करेगा, वो जो मेंबर्स हैं उनकी वैल्यूज को प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगर हमने इसको बुक वन के ऊपर कॉल किया है, तो ये बुक वन के तीनों मेंबर्स को प्रिंट कर देगा। जब हम बुक टू के ऊपर कॉल करेंगे, तो ये बुक टू के सारे मेंबर्स को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, स्ट्रक्चर्स कैसे इस्तेमाल होते हैं। हम इसको मेन फंक्शन से ऊपर डिक्लेयर करेंगे स्ट्रक्चर को, और स्ट्रक्चर का नाम आप क्या दे रहे हैं, बुक, और इसके बाद हम इसके मेंबर्स बनाएंगे, पब्लिक स्ट्रिंग
ठीक है, और उसके बाद क्या था, पेजिस, और उसके बाद क्या था, ठीक है, ये तीन मेंबर इसके बन गए। अभी हम इसका कोई फंक्शन नहीं बना रहे, जस्ट हमने इसके मेंबर्स डिफाइन किए हैं। जस्ट हम वन बाय वन देखते हैं उसका फायदा क्या होता है फंक्शन बनाने का। हम अब यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर आते हैं, और इसके अंदर हम आके इस स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं स्ट्रक्चर का नाम, क्या नाम है स्ट्रक्चर का, बुक, उसके बाद उसके वेरिएबल का नाम, जो भी आप नाम देना चाहें। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, तो ये हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल बन गया। अब ये जो ए वेरिएबल बना है ना, ये इसके अंदर कोई एक बॉक्स नहीं होगा। नॉर्मली जब आप किसी डेटा टाइप का कोई वेरिएबल बनाते हैं ना, तो जस्ट सिंगल बॉक्स होता है मेमोरी के अंदर, उसमें आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। लेकिन ये जो वेरिएबल है, इसके अंदर तीन बॉक्स होंगे। कौन कौन से, क्या नाम होंगे उन बॉक्सेस? जी, तीन बॉक्सेस होंगे, टाइटल, पेजेस और प्राइस। तो उनको हम अलग अलग एक्सेस कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे, देखें, ए डॉट टाइटल, ये देखें हो रहा है एक्सेस। हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल इंट्रो टू सी शार्प, ये हमारी बुक का नाम है, ठीक है। और फिर हमने ए डॉट पेजिस, हमने फॉर एग्जाम्पल लिख दिया 500, ठीक है। और ए डॉट प्राइस फॉर एग्जाम्पल 3 5.5, ये डॉलर्स में लिखी है प्राइस, मैंने रुपीस में ना समझिएगा इसको। अच्छा, तो ये आपने देखा किस तरह से आपने मेंबर्स को अलग अलग एक्सेस किया, और इसी तरह से इनको प्रिंट भी कर सकते हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहां पे हम इसका प्रिंट करते हैं टाइटल इज इक्वल टू, आगे क्या लिखेंगे यहां पे, उस वेरिएबल का नाम क्या लिखेंगे, ए डॉट टाइटल। खाली ये तो नहीं लिख सकते ना हम, आपको बताना पड़ेगा ना ए के अंदर क्या चीज, ठीक है। इसी तरह जी ए डॉट पेजिस, जी ए डॉट प्राइस, शाबाश, ठीक है। कुछ समझ आया कॉन्सेप्ट इसका? अब ये हम इसको एक दफा रन करके देखते हैं। चले, ये डाटा हमारे पास प्रिंट हो गया, ठीक है बेटा। अच्छा, और अब हम क्या करते हैं कि हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था ना, इसको हमने इनिशियलाइज नहीं किया था यहाँ पे, तो अब हम इसका एक बनाएंगे कंस्ट्रक्टर। स्ट्रक्चर के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम बनाते हैं इसका एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाते हैं। एक ऐसा फंक्शन जो ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन के वक्त ऑटोमेटिकली कॉल हो और हमारे मेंबर्स की वैल्यूज उसको असाइन कर दे, ठीक है। तो इसका क्या तरीका होता है, आप क्या लिखते हैं, पब्लिक, कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है ना, वो क्या रखना होता है, आपने वही नाम रखना होता है जो स्ट्रक्चर का नाम है। ये रूल आपने याद रखना है, कंस्ट्रक्टर का जो नाम है वो वही होना चाहिए जो स्ट्रक्चर का नाम है, ठीक है। अच्छा, ये बन गया हमारा कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसमें एरर आ रहा है, देखते हैं क्या एरर है। स्ट्रक्ट्स कैन नॉट पैरामीटर लेस, हाँ ठीक है, कह रहे कोई पैरामीटर्स दे आप, इसके पैरामीटर खाली छोड़े हुए ना मैंने, तो हम यहाँ पे दे देते हैं टाइटल। अच्छा, अभी भी एरर आ रहा है, मस्ट बी फुली साइंड बिफोर, ठीक है। वो कह रहा है सारे वैल्यूज दें इसको, इंट पेजिस और डबल प्राइस। ये जो पैरामीटर्स है ना, ये आपने, हाँ अभी भी एरर आ रहा है। अच्छा, देखते हैं बेटा इसको, ठीक हो गया। अब वो कह रहा है सारे मेंबर्स को वैल्यूज दें, अदरवाइज मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगा, ठीक है। तो ये जो पैरामीटर है ना, टाइटल, ये आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ये लाजमी नहीं आपने यही फॉर एग्जाम्पल टी लिख दें आप यहाँ पे, ये इनका इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये फंक्शन के पैरामीटर्स हैं और ये उसके मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ये सिंपली क्या करते हैं, ये तीनों पैरामीटर्स, ये आपको यहाँ पे जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं ना,
न्यू बुक, और यहाँ पे आप जो भी वैल्यूज देंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी और बुक का नाम लिख देता हूँ, डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है, और इसके पेजेस कितने हैं, 1000, और इसकी प्राइस कितनी है, 30.5, ठीक है। अब ये देखें, इनिशियलाइज करते हुए मैंने जो वैल्यूज दी है ना, ये इन पैरामीटर्स के अंदर जाएंगी। ये डाटा स्ट्रक्चर कहाँ जाएगा, टाइटल के अंदर, ये पेजेस कहाँ जाएंगे, इसके अंदर, और इसी तरह ये प्राइस यहाँ पे। तो ये वन बाई वन सारी वैल्यूज मेंबर्स को असाइन कर देगा। समझ आ गई? ओके, अब हमें एक ये वाला हमने बनाया, ये बाद में हम ओवरराइट कर देते हैं इसको, हम एक और नया बना लेते हैं बुक, और ये वैल्यूज हम दे देते हैं इसके अंदर, ठीक है, इसको हम खत्म कर देते हैं। अब देखें, ये ए जो है ऑब्जेक्ट, ये मेमोरी के अंदर अलग-अलग बनेगा, और उसके ये तीन हिस्से होंगे, और बी अलग-अलग बनेगा, उसके अलग-अलग तीन हिस्से होंगे, और ये जो कंस्ट्रक्टर है, ये दोनों के लिए अलग-अलग कॉल होगा, ठीक है। तो मतलब उसके मेंबर्स अलग-अलग होंगे, उसके मेंबर्स अलग-अलग होंगे। अब ये हमने प्रिंट किया हुआ है डाटा ए का प्रिंट किया है ना, अभी अगर हमने बी का प्रिंट करना हो तो बी बी के लिए भी ये तीनों चीजें लिखेंगे ना, यानी ये हमने इसको नीचे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम बी का कर देते हैं। अगर हम कोई और ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके लिए भी ऐसा करना पड़ेगा, ऐसे ही होगा ना। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कोई हम 500-600 ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं, अब लाइब्रेरी की बुक्स हैं, लाइब्रेरी में कोई दो चार बुक्स तो नहीं होती, उसमें हजारों के हिसाब से बुक्स होती हैं, तो फिर हम कितनी दफ़ा ये लाइनें लिखेंगे सबको प्रिंट करने के लिए। तो इसका हल ये है कि आप इसका एक फंक्शन बना लें जो सबके ऊपर काम करे। यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए एक फंक्शन बना लें, उसका नाम आप जो मर्जी रख लें, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम मैंने रख दिया प्रिंट, ठीक है, सही है। वैसे उसने क्या नाम रखा था, उसने रखा था डिस्प्ले बुक डिटेल्स, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी नाम, जो स्ट्रक्चर का नाम है, जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर, उसका नाम आपने उसके स्ट्रक्चर के नाम के ऊपर रखना है, लेकिन बाकी कोई और फंक्शन बनाने तो आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली ये जो है ना स्टेटमेंट्स, इसको उठा के आप यहाँ पे ले जाएं, ठीक है, और यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिखना, जस्ट मेंबर का नाम लिखना है। तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने किस ऑब्जेक्ट का डाटा प्रिंट करना है, वो उसको ऐसे पता चलेगा। देखें, ये वाली स्टेटमेंट खत्म कर रहा हूं मैं, मैंने यहां पे लिखा ए डॉट प्रिंट, क्या लिखा, अब ये प्रिंट फंक्शन कॉल हो रहा है, ये देखें, और किस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया, ठीक तो फिर वो ए का डाटा सारा प्रिंट करेगा ना, बी का तो नहीं करेगा। और अगर मैं यहां पे लिखता हूं बी डॉट प्रिंट, अब किसका डाटा प्रिंट होगा, बी का। समझ आ गई बात, ये इसलिए मैंने यहां पे मेंबर्स के नाम, जो ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लिखा। तो ये जो ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करेगा, उस ऑब्जेक्ट का डाटा प्रिंट हो जाएगा। समझ आ गई जी? दोनों स्ट्रक्चर्स के नेम, नेम तो बेटा वही है, बुक है, नेम स्ट्रक्चर का नाम तो एक ही है, बुक है। अब ऑब्जेक्ट्स की बात तो नहीं कर रही, कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर का नाम भी एक ही है, नहीं, कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो स्ट्रक्चर का नाम होता है। अच्छा, अब इसको हम एक दफा ना प्रिंट करके देख लेते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन बुक वन डिटेल्स और बुक टू डिटेल्स, ठीक है, ये आ गया, बुक वन की डिटेल्स आ गई, डेटा स्ट्रक्चर्स, पेजेस, प्राइस, बुक टू की डिटेल्स आ गई, इंट्रो टू सी शार्प वगैरह वगैरह, ठीक है, समझ आ गई ये बात। ओके, अब हम इसमें थोड़ा सा एडिशन और करते हैं एक, ये तो हो गया ना स्ट्रक्चर, ये मैंने इसको, ये देखिए, ये प्लस माइनस पे क्लिक करने से क्या होता है, क्या होता है बताओ भाई,
क्या हो रहा है, ये उसका सारा डाटा हिडन हो जाता है ना। फॉर एग्जांपल ये माइनस पे क्लिक किया, क्या हो रहा है, प्रिंट का फंक्शन सारा हाइड हो गया ना। समटाइम्स आप अपनी रीडेबिलिटी को बेहतर करने के लिए किसी किसी ब्लॉक को आप ऐसे हाइड भी कर सकते हैं। ये ब्लॉक है ना पूरा, ये यहां से लेकर यहां तक। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अब हम एक और फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक, और वो इसमें इसकी रिटर्न टाइप क्या रख रहा हूं मैं, बुक, और इसका नाम क्या है, गेट एक्सपेंसिव बुक, और इसको दो पैरामीटर्स दे रहा हूं, B1 और B2। जी देखें जरा इस पे, जरा गौर से देखें इसको। फंक्शन का नाम क्या रखा है मैंने, इसके दो पैरामीटर्स हैं और दोनों पैरामीटर्स किस टाइप के हैं, बुक टाइप के, ऐसे ही है। और इसकी रिटर्न टाइप क्या है, बुक, ये रिटर्न भी बुक ही करेगा। दो ऑब्जेक्ट्स को रिसीव करेगा, दोनों बुक टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, और रिटर्न भी क्या कर रहा है, बाकी पब्लिक का मतलब आप जानते हैं, स्टैटिक का मतलब भी आप लोग जानते हैं। यहाँ पे वैसे जो अभी तक हमने जितने भी फंक्शन बनाए हैं ना कंसोल एप्लीकेशन के अंदर, सबको हमें स्टैटिक रखना पड़ रहा है। उसकी रीजन क्या है कि हमारा मेन फंक्शन भी स्टैटिक है, तो अगर आप इसको स्टैटिक नहीं बनाएंगे ना, अगर आप इसको स्टैटिक नहीं बनाएंगे तो मेन फंक्शन इसको कॉल नहीं कर सकेगा। तो हमें इसको स्टैटिक बनाना पड़ेगा ताकि मेन फंक्शन इसको कॉल कर सके। एक स्टैटिक फंक्शन को दूसरा कोई स्टैटिक फंक्शन ही कॉल कर सकता है, नॉन स्टैटिक स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता, ठीक है। तो लेकिन जब हम जाएंगे ना अपनी जीयूआई प्रोग्रामिंग के अंदर, ग्राफिकल यूजर प्रोग्रामिंग के अंदर, वहां पे फिर हम स्टैटिक फंक्शन नहीं बनाएंगे। वैसे तो यहां भी बनाए जा सकते हैं नॉन स्टैटिक, लेकिन फिलहाल वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। तो इस फंक्शन का पर्पस क्या है कि ये दो बुक्स का डाटा लेके आपको बताएगा कि उसमें से एक्सपेंसिव बुक कौन सी है, ठीक है। तो ये बताने का मकसद ये है कि ताकि आपको पता चले कि स्ट्रक्चर से हट के भी ऐसे फंक्शन बनाए जा सकते हैं जो स्ट्रक्चर वेरिएबल्स के ऊपर काम कर सकते हैं, पैरामीटर्स के तौर पे ले सकते हैं, और उस स्ट्रक्चर को रिटर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल से एक लॉजिक है, हम एक नई बुक का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसका नाम हमने क्या रखा, एक्स। हमने यहाँ पे लिखा इफ B1 डॉट प्राइस इज, इफ B1 डॉट प्राइस इज ग्रेटर देन B2 डॉट प्राइस तो देन व्हाट, एक्स इज इक्वल टू B1, अदरवाइज, अदरवाइज, वेरी नाइस, शाबाश। और उसके बाद क्या करना है, रिटर्न कर दो एक्स, सिंपल लॉजिक। तो हमें एक्सपेंसिव बुक मिल जाएगी, लेकिन हाँ वो इसको पब्लिक रखा है, वो कहता है इसको भी पब्लिक में ना हो, आई थिंक नहीं, खैर उधर मैं देखता हूँ क्या एरर है। इनकंसिस्टेंट एक्सेसिबिलिटी, रिटर्न टाइप इज लेस एक्सेसिबल देन, पब्लिक रखा है इसको इस, अच्छा कह रहा है इसका स्टैटिक खत्म करो। हाँ ठीक है, वो कह रहा है ये आपने बुक जो है, आपका जो स्ट्रक्चर है उसको आपने पब्लिक रखा नहीं है, और जिस फंक्शन के अंदर उसको यूज करें उसको आपने पब्लिक रखा हुआ था, या तो दोनों को पब्लिक करो या दोनों को हटाओ पब्लिक, ठीक है। अच्छा तो ये एरर रिमूव हो गया, अब हम इसको कॉल कैसे करेंगे। हम यहाँ पे लिखते हैं, एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बुक, सपोज बुक 1 लिख देते हैं या एक्सपेंसिव बुक लिख देते हैं, ठीक है, और इज इक्वल टू गेट एक्सपेंसिव बुक, उसको हम पैरामीटर्स देते हैं ए और बी। ये ए और बी क्या चीजें हैं, ये वाली है ना ए और बी, तो ये इन दोनों का आपस में कंपैरिजन करके जो आंसर आएगा वो किसके अंदर रख देगा, इसके अंदर। तो हम यहां पे फिर उसके बाद अपना मैसेज प्रिंट करते हैं, एक्सपेंसिव बुक डिटेल्स, और यहां पे हम लिखते हैं एक्सपेंसिव बुक डॉट प्रिंट। देखिए प्रिंट का फंक्शन आपने एक दफा बनाया है,
लेकिन वो हर बार आप जिस ऑब्जेक्ट पे चाहे आप उसको कॉल कर सकते हैं, जिस बुक के ऑब्जेक्ट पे आप चाहे उसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जी कौन सी एक्सपेंसिव बुक है? इंट्रो टू सी शार्प 35.5। सही आंसर दिया उसने, समझ आया? ओके।